काफी ज्यादा भारी कावर है, लेकिन बोलबम के शक्ति को जरूर ही नमन करना चाहिए। बोलबम बोलबम काफी खूबसूरत कावर है इन बोलबम का। अब ये बाबा धाम पहुंच ही चुके हैं और जल्द ही अपना जल जो है बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ पे अर्पण करने वाले हैं। बोलबम बोलबम। वेलकम टू माई न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है, मैं कावरिया पथ पे फिर आ चुका हूँ। आज शनिवार का दिन है, दूसरा सोमवारी से पहले वाला दिन। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे संस्थाएं हैं जो निशुल्क सेवा करते हैं, जिस प्रकार का और जिस तरह का सेवा संभव हो उस तरह का सेवा करते हैं। तो इसी तरह आज मैं दिखाने वाला हूँ, एक समाज अपना जो सेवा है वो आयोजन किया है उन्होंने और शरबत बांटने का कार्य चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो समाज कौन सा है और किस तरह का सेवा है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है और कांवरिया पथ में कैसे निशुल्क सेवा का आयोजन किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि देख सकते हैं सामने रोनियार वेस्ट संघ कास्टर टाउन देवघर द्वारा यहाँ पे शरबत वितरण का आयोजन किया गया है। जो रोनियार वेस्ट समाज के हैं यहाँ पे हैं और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मदद से जो है शरबत का वितरण का आयोजन किया गया है। अब दूर नहीं है, अब आगे बोल 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 आगे। नींबू काटा जा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे ठंडा पानी का जो जार है लाके रखा गया है और डायरेक्ट जार पे ही शरबत बनाया जा रहा है। तो ये जो शरबत है ये कांवरियों का सेवा के लिए है। यहाँ पे नींबू है, तो ये जो नींबू है ये हमारे घर से आया हुआ है, घर का गांच का नींबू है। तो आज गांच उगना सफल हो गया जो कांवरिया इस नींबू का सेवन करेंगे। तो यहाँ पे शरबत ग्लास में भरा जा रहा है और यही ग्लास फिर बोलबम में वितरण किया जाएगा। तो शरबत घोल के रख लिया गया है और देख सकते हैं एक एक करके ग्लास में भरा जा रहा है और फिर यहाँ से ग्लास उठा उठा के बोलबम में वितरण किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह उत्साह अफजाई किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो इसी तरह बोलबम को शरबत वितरण किया जा रहा है और उनकी सेवा की जा रही है। तो और यहाँ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि जो पी रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, सफाई का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ जितने भी लोग सेवा करते नजर आ रहे हैं सभी रोनियार वैश्य संघ के मेंबर हैं और सभी उसी संस्थान से बिलोंग करते हैं। तो जितने सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे रोनियार वैश्य संघ से बिलोंग करते हैं। और देखिए बोलबम यहाँ पे शरबत का आनंद ले रहे हैं बोलबम, और काफी मेंबर जो हैं यहाँ पे बोलबम को शरबत देने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। शरबत पीने के बाद यहाँ पे अंकल सभी बोलबम को हाथ धोने का काम करवा रहे हैं। जैसे कि बोलबम शरबत पी रहे हैं तो आगे वो बोलबम को हाथ धुलवा दे रहे हैं। तो यहाँ सभी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह शरबत वितरण किया जा रहा है यहाँ पे।
तो जो बोलबम इच्छुक है वो शरबत ले रहे हैं, जो इच्छुक नहीं है जैसे ये माता शरबत पी रही है उसी तरह जो बोलबम इच्छुक है वो शरबत पी रहे हैं, जो बोलबम इच्छुक नहीं है वो शरबत नहीं पी रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सभी मेंबर यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ ना कुछ काम में। पीछे कोई शरबत बना रहा है, कोई पानी ला रहा है या फिर कोई ग्लास लगा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे जो सब कुछ देख रहे हैं मैनेजमेंट सही है कि नहीं। तो इसी तरह जो है सेवा का आयोजन किया जाता है, जो सेवा रौनियार वैश्य संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करना चाहूंगा। इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि कैसे शरबत वितरण किया गया रौनियार वैश्य संघ के द्वारा। और इसी तरह अगर आपका समाज है या आप दोस्तों के साथ या किसी भी तरह का ग्रुप फॉर्म करके कुछ बांटना चाहते हैं तो इसी प्रकार अपना बांट सकते हैं, फल मूल कुछ भी जो कांवरिया सेवन करते हैं अपने सुल्तानगंज से बाबा धाम के यात्रा के बीच में। चलिए इस ब्लॉग को अंत करते हैं दोस्तों। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगा तो इस चैनल और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।